हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, कंटिन्यू कर रहे हैं जो टॉपिक हमने पहले किया है यस्टरडे का। तो ये जो वीडियो है, आपने बोला देखो, इससे आपको प्रूफ मिलेगा कि वाकई ही पाकिस्तान में टिड्डी शोरमा बिरयानी बनी है। तो वीडियो देखते हैं। ऋषि को बड़ी मुश्किल से बिठाया है, डांट मार मार के कि बैठ जाओ। वो कहता है मैंने नहीं देखनी है, पर हम देखेंगे। मुझे भी नहीं देखनी, पर हम देखेंगे, क्योंकि मैं बिलीव नहीं कर सकती कि ऐसी ये बात सच हो सकती है। उस वीडियो में जिसमें हमने अर्नव जो थे वो बात कर रहे थे पाकिस्तानी मीडिया से इसी के बारे में, तो हस्बैंड कह रहे थे कि हाँ बनती होगी। तो मैंने कहा नहीं, मैंने भी कहा था कि जोक है, असलियत नहीं है। तो आप लोगों ने कहा नहीं सच है, तो अब उसका प्रूफ देखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान में लोग टिड्डी खाने लगे, टिड्डी बिरयानी डिश, लोकस अटैक इन पाकिस्तान। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करना। नो आई सब्सक्राइब वाचिंग दिस, नो आई सब्सक्राइब करना, नो। तो दिस इज द वर्स्ट टाइम टू टेल समवन टू सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो करना सब्सक्राइब के बटन को क्लिक और साथ में बेल आइकन को, ताकि आपको हमारे ऐसी मजेदार वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, वो भी उनको। व्हाई वुड यू शेयर इट? व्हाट काइंड ऑफ इविल पर्सन आर यू? तो फ्रेंड्स, चलो आज इविलनेस को एक्सट्रीम में लेके जाएंगे। आपकी सजेशन पे देख रहे हैं आज का ये वीडियो ऋषि के साथ। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लोग बहुत शौक से खाते हैं, इसमें चावल जो है बिरयानी पकती है। ये जो है बहुत तेज ज्यादा है और बहुत लजीज जायकेदार है। यम्मी होता है, बहुत ही लजीज होता है। मछली के मुकाबले में मछली से भी लजीज होता है। वो कह रहे फिश से भी यम्मी होता है। थरपारकर और इससे मुलैका देहातों समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जहां टिड्डियों ने हमला किया हुआ है, वहां से एक खबर आ रही है कि वहां के लोगों ने इन टिड्डियों पर ही हमला कर दिया। वहां के लोगों ने इन टिड्डियों को ही अपनी खुराक में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, ये चाइना या जापान नहीं बल्कि पाकिस्तान है, जहाँ कीड़े पकाए और मजे से खाए जा रहे हैं। इन टिड्डियों को पकड़ा जा रहा है और पकड़कर मुख्तलिफ तरीकों से पकाया जा रहा है। कोई देग में इस्तेमाल कर रहा है, कोई कोरमा बना रहा है, या फिर कोई टिड्डी बिरयानी बना रहा है, और कोई तो इन्हें मजे से फ्राई कर रहा है। यकीनन आपको ये देखकर बहुत अजीब भी महसूस हो रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। हमारे नुमाइंदे ने इन इलाके के लोगों से बात की तो इन्होंने बताया कि ये इनकी फेवरेट डिश है और वो लोग इसको बहुत खुशी से खाते हैं। टिड्डी का सालन बहुत ही लजीज होता है, मछली के मुकाबले में मछली से भी लजीज होता है। हम बहुत शौक से खाते हैं। ये 200 रुपए की एक प्लेट है। इस रेस्टोरेंट के मालिक का कहना है कि वो बहुत मजे से ये सब बनाता है और लोग सब टिड्डियां खा पी जाते हैं। लोग इनको मछली से भी ज्यादा पसंद करते हैं और इनको मजे ले लेकर खा जाते हैं। ये थरपारकर में बारिश की वजह से इधर आते हैं। ये लोग बहुत शौक से खाते हैं। इसमें चावल जो है बिरयानी पकती है, बहुत अच्छी पकती है, और ये टिड्डी दल जो है वो हमारे पास मच्छी जो है मच्छी से ज्यादा आते हैं। और ये बंदे जो पहले जो लोग थे वो दो दो तीन तीन साल जो ये गर्म करके बॉयल करके रख देते थे, और दो दो तीन तीन साल के बाद ये खाने के साथ खाते थे। ये बहुत अच्छा है। ये जो है इसमें इतना ही गंद है, ये निकाल ले और उसके बाद जो है ये शौक से जो है बंदे ये हमारे पास आते हैं और खाते हैं। और ये जो है गोश्त से भी ज़्यादा है और बहुत लजीज जायकेदार है। ये बहुत हमारे पास ये अभी जो बंदे इधर बहुत कट्टों की तादाद में लेके गया, को हैदराबाद को कराची इस्लामाबाद तक ये जो है लेके गया हमारे पास खाने के लिए। ये पड़े बहुत अच्छे हैं। हमारे पास जो आते हैं होटल में वो 200-300 तक ये हमारे पास खाते। चावल की बिरयानी बनती है वो बहुत अच्छी बनती है और लोग शौक से खाती है। जैसे मछली खाते हैं उससे ज़्यादा ये शौक से खाती है। या हमारे पास बारिश की वजह से आते हैं और तो
कम होते हैं, अभी जो थप्पड़ में बहुत है। अभी सारी फुटेज को देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये बात बिल्कुल सच है, कोई इन्हें भून रहा है तो कोई बिरयानी में डाल रहा है। अभी सब बातों में एक बात आपके जहन में आ रही होगी कि क्या ये टिड्डियाँ हलाल हैं या हराम। जी हाँ, असल सवाल तो ये है। तो इस पर उलमाए हजरात का क्या कहना है, इस पर हमारे साथ बात हुई मारूफ आलिम दीन की। इनसे इस बारे में पूछा गया तो इन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। तवज्जो मंजूर करवानी है कि आज कल एक मसला चल रहा है टिड्डी दल का, तो लोग उसको खा रहे हैं, तो इसके बारे में हदीस में लफ्ज आया है जरात जीन वे अलिफ्ता, तो नबी सल्लम ने इसकी बिल्कुल इजाज़त दी है, किसी किसी किस्म की मालियात भी है, लिहाजा इसको खाने में कोई हर्ज नहीं है। इसको बेचना सब तरह से, इसका मतलब किसी भी तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और एक इल्लिया हमेशा अपनी जेन में रखें कि अल हलाल बय्यिन वल हराम बय्यिन व बैनहुमा मुश्तबिहात, कि हलाल और हराम को जो है वो खोल खोल के बयान किया गया, उनके दरमियान जो चीज़ें मुश्तबिहात, तो जिस चीज़ के ऊपर कोई वाज नस या कोई दलील ना आए, कोई हदीस ना आए, तो जो है फोन हमारे यहाँ जो है अलिया है कि हम लोग किसी भी चीज़ जो हमें पसंद ना हो हम उसके ऊपर मकरूह या हराम का फतवा फौरन लगा देते हैं। ऐसा नहीं है, हमें दलाइल की दुनिया में उसको देखना पड़ेगा और रखना पड़ेगा। साइंसी तहकीक ये कहती है कि इन टिड्डियों में बेपनाह प्रोटीन होती है जो कि हमारे जिस्म के लिए खास मुफीद है। साइंसी एतबार के हवाले से देखा जाए तो ये एक ताकतवर गिजा है जिसको खाकर इंसान अपनी काफी जरूरियात पूरी कर सकता है। लेकिन इन सबको मद्देनजर रखते हुए क्या हर बंदा इनको खा सकता है, क्या आप इनको खाना चाहेंगे? And then why do you have to put in rice? Just eat the rice. You don't need to put this in. A stomach is going to help you. And you have meat. You can literally eat anything. You can literally eat vegetables. Like just, you can literally just take and eat a raw carrot. You don't need to eat this. You can eat a raw carrot. Just because it exists doesn't mean you need to use it. Just because something exists doesn't mean that it is necessary, that there's a purpose for it, and that you need to use it or do something with it. Like with poop. You don't need to eat poop. I just explained it. That there's no, it's not like you have to. Like you don't just see a random bug and you're like, I need to eat it now. You see a locust. Literally, you see a locust. Who thought of the idea that it's really good to eat this? What kind of messed up in the brain person thought of just taking a random creature and just eating it? Like, you don't see another human, you're like, I need to eat that. Hi. You don't just look at everything, you don't look at leaves and say, I need to eat those leaves. You don't do that, okay? This is literally not edible, okay? Like, you know, berries, they're not edible. Some berries are poisonous. This is what that is. It's not edible. It's a live creature. It's not edible. You don't go around eating random things off the ground. नहीं, पर मुझे ऋषि की वो बात बहुत अच्छी लगी जो उसने अभी बोली कि जरूरी है कि आपको ये खाना है, जब आप चावल के अंदर वो डाल रहे हो मत डालो, खाली चावल ही खा लो। बिल्कुल ठीक बोला, ऐसी इमरजेंसी That you're literally rich. You're rich. You have so much money. You can buy like 3 plates of this every single day. Then why not invest in something else? Invest in a company or make your own business. Or even like buy like a sheep. Buy sheep or something. And you could get sheep, milk from you it. You could get milk and meat. Meat to nahi khate hum log. No, I'm saying if you really, really need meat that much. That you eat insects to get meat. Yeah. Then you can literally just get 2 goats. And you have infinite source of meat. तो फ्रेंड्स, मुझे एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया है कि जो मैं कह रही हूँ ना शेयर करने को, तो इस वीडियो को तो डेफिनेटली शेयर करना बनता है। नो क्यों भाई, नो यू नो व्हाट इज शेयर इट, नहीं साखा शेयर करना और no, उसपे बोलना। No, if you share what you should do, if you want to prank your family and friends, you should like change it, and you should make it like just recipe, just leave, I made this very good thing at home, it's so good, you should try it out and stuff, and like you should call it that and then put a link, and they'll click on the link, and since it automatically starts, they can't stop, they can't stop the video, they have no idea what they're seeing, and it starts off with the insect.
चलो तो ये बड़ा अच्छा आइडिया, ये कहना ऐसे मत लिखना, लिखना जैसे कि ना टू मिन हाउ टू मेक फूड यमी फूड इन टू मिनट्स, तो ऐसे करके कोई अच्छा सा टाइटल देके उनको फॉरवर्ड करना, और जब वो देख लेंगे वीडियो दो तीन मिनट बाद कॉल करना और पूछना भैया कैसा लगा जो मैंने वीडियो बनाया भेजा था आपको, फिर सुनने को मिलेगा कि कितना मजा आया उनको। तो ये आइडिया बड़ा अच्छा है, तभी मैं कह रही हूँ ये वीडियो तो डेफिनेटली शेयर करनी बनती है और रिएक्शन पता करना बनता है लोगों का कि क्या लगा आपको ये वीडियो देख के। पर सच्ची में फ्रेंड्स बहुत ही शॉकिंग था, मैं तो इमेजिन ही नहीं कर सकती थी। अगर उस वीडियो में याद है हस्बैंड बोल रहे थे कि हाँ हाँ ऐसे हुआ है, मैं पूछो इन लोगों ने भेजा था, आप लोगों ने भेजा हमको, अब दो तीन घंटे लगेंगे इसको दिमाग। देख लो क्या किया आप लोगों ने, वो वीडियो नहीं बनाएगा, वहां हस्बैंड से लड़ाई हुई भी है, अकेले वीडियो बनाना पड़ेगा आप तो। तो फ्रेंड्स चलो आशा करते हैं आपने इंजॉय किया होगा ये वीडियो देखना हमारे साथ, जैसे हमने इतना इंजॉय किया कि आधे टाइम तो हमारी आंखें ही बंद थी, ऋषि का तो मुंह ही उधर था। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।